लोहामंडी वार्ड 85 के नत्ती का खेत मोहल्ले में 3 दशक से अधिक समय से चली आ रही पेयजल समस्या का क्षेत्रीय पार्षद हेमंत प्रजापति ने स्थायी निदान कर दिया है। मोहल्ले में शुद्ध गंगाजल की आपूर्ति शुरू हो गई है। लोहामंडी वार्ड 85 के नत्थी का खेत मोहल्ले में रहने वाले लोग पिछले 3 दशकों से पेयजल के लिए परेशान हो रहे थे। क्षेत्रीय पार्षद हेमंत प्रजापति ने भागीरथ की भूमिका का निर्वाह करते हुए शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराया है। हेमंत प्रजापति ने बताया कि वार्ड 85 सीमा का अंतिम मोहल्ला है, जो काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ गंगाजल को लिफ्ट करने में काफी परेशानी हो रही थी। लोहामंडी मार्ग पर रत्नमुनि जैन इंटर कॉलेज के पास से गंगाजल को यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर पाइपलाइन लाकर लाया गया है। देखिए, वर्ष 2006 में जब पहली बार जनता के आशीर्वाद से मुझे पार्षद के रूप में जिम्मेदारी मिली, तो ये लोहामंडी जो मेरा वार्ड है, वार्ड 85, इसमें पानी की बहुत विकराल समस्या थी। मैं बता दूं, केवल पूरे वार्ड के 10 से लेकर 15% 20% लोगों को ही पानी मिल पाता था, बाकी 80% लोग 75% लोग पानी के अभाव में बहुत परेशान रहते थे। लोगों ने जिम्मेदारी दी और मैं इस काम में लोगों के साथ लगा। लंबी लिखा पढ़ी करने के बाद और इसको चुनौती को स्वीकारने के बाद मैंने धीरे धीरे काम किया। इस 15 साल में मैंने इस क्षेत्र में सभी लोगों के सहयोग से 5400 मीटर पानी की लाइन डलवाई, जिसके परिणाम ये हुआ कि 90% 95% बाढ़ में पानी लोगों को मिला। क्षेत्रीय पार्षद हेमंत प्रजापति ने बताया कि नगर निगम के सभी 100 वार्डों में से वार्ड 85 ऐसा वार्ड बन गया है जिसमें 100% हिस्से में गंगाजल सप्लाई हो रहा है। यहाँ आप लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, ये मोहल्ले का, हमारे वार्ड का अंतिम मोहल्ला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम सामान्य लेवल से 25-30 फुट ऊँचा मोहल्ला है, जिसमें पानी की समस्या बनी हुई थी और यहाँ पानी नहीं पहुँचता था। मैंने इस बात को, चुनौती को स्वीकारा और मैंने कहा इस मोहल्ले के लोगों को पानी देकर रहेंगे। तो मैंने अधिकारियों के सहयोग से और जो अधिकारी रिटायर हो गए थे उनका अनुभव के आधार पर मैंने यहाँ किया काम। और इस मोहल्ले के लिए हम लोग व्यक्तिगत 1 किलोमीटर दूर से पानी की लाइन लाए और उसमें बूस्टर के माध्यम से इसको लिफ्ट कराया। आज आप देख रहे हैं इस नत्थी खेत मोहल्ले में लोगों को पानी मिल रहा है और अधिकांश मोहल्ले में बिना बिजली की मोटर के लोगों को पानी मिल रहा है। ये सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग का नतीजा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी की जो हर घर गंगा जल की योजना है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। नत्थी का खेत मोहल्ले में रहने वाले संतोष ने बताया कि वह यहाँ बचपन से रह रहे हैं। उन्होंने कभी यहाँ वाटर वर्क्स के पेयजल की सप्लाई नहीं देखी। अब यह सब क्षेत्रीय पार्षद हेमंत प्रजापति के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। 38 साल से पानी नहीं था, हैंडपम्प लगाते थे वो भी फेल हो गए, लेकिन नेताजी की कृपा से जो है बहुत मेहनत करी है। अब जाके मुझे 5-7 साल से पानी मिला, अब इस समय स्थिति अच्छी है, बिल्कुल शुद्ध मिल रहा है, बिना प्रेशर बिना मोटर के आ रहा है पानी। यहाँ पर हम 30 साल से निवास कर रहे हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था और समस्या बहुत बुरी तरीके से बनी हुई थी और अभी तक 30 साल के निवास रहने के बावजूद हमने कभी यहाँ नल के पानी का कभी भी कोई सुख नहीं महसूस किया है। आज इस बार हमारे पार्षद जी के पूरे प्रयास से, उन्होंने पूरी अपनी सहयोग से सभी टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए समझते हुए लाइन का इस तरीके से डलवाने का निस्तारण किया है कि वो बढ़िया तरीके से। यहाँ के तो बहुत पानी की समस्या, जब से मैं यहाँ भी आके आई हूँ जब से मैंने पानी देखा ही नहीं नत्थी खेत में। आज हाँ, ये 2-3 दिन से नल आ रहे हैं तो हाँ ये मैंने देखा है पानी बहुत। पहले वहाँ बढ़ के नीचे भी समर था, वहाँ से पानी लेकर खारा पानी था, हमने अपने घर में भी समर लगवाया, अब उसमें भी बहुत खारा पानी, साबुन ऐसा हो जाता है ये पत्थर घिस रहे हैं क्या। आज जो 2 दिन से पानी मिला, खूब अपने कपड़े आराम से धुलते हैं, खूब साबुन भी घिस जाता है, बहुत परेशान थी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्हें पानी वाले नत्थी खेत में लाके। कुछ दिनों पहले से इन नत्थी का खेत में सुबह शाम 2 घंटे गंगा जल की सप्लाई हो रही थी। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।